हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी चेहरा पहली बार देख रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिस जिसने पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे बैठी है मम्मा हमारे बगल में। हाय मम्मा, कैसे हो? और अभी तक हम लोगों ने आपको बिल्कुल भी बताया नहीं था, लेकिन मम्मा और पापा गए हुए थे पूरे साउथ इंडिया के ट्रिप में। ये लोग निकल गए थे 35 दिसंबर को, और आज है 25। क्या बोला मैंने? 35th। ये कौन सी तारीख होती है मां? मैं पगला गई हूँ, मम्मी पापा के आने की खुशी में पगला गई हूँ मैं। 25th दिसंबर को ये लोग निकल गए थे यहाँ से, और फिर आज है 1st फेब। अब तो सही बोला है मैंने। तो आज ये लोग सुबह सुबह आ गए हैं। सुबह मम्मा लोग जब आए हुए थे तो मैंने बस कुछ क्लिप्स ले रखी है, तो पहले आप लोग वो देख करके आओ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्लैशबैक। बहुत खतरनाक नींद में थी, तो खतरनाक तरीके से मेरा फोन बजा है। 5:30 बज रहा है सुबह का, आज है 1st फेब, और मम्मा लोग आ रहे हैं, मतलब बस पहुंचने वाले हैं। लालकुआ पहुंच गए तो 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, और तो चलो मिलते हैं मम्मा लोगों से। जैसे हम लोग यहाँ मुखानी चौराहे पे वेट कर रहे हैं, श्वेता और मैं यहाँ पर, और मम्मी लोगों ने पहले ही कह दिया था, 1 घंटे पहले कह दिया था हम पहुँचने वाले हैं जल्दी, अगर कानू आ रहा तो भेज करके। और तब मैं फटाफट उठा, इसने बताया मेरे मम्मी फटाफट ड्रेस किए बिना मुँह धोए। श्वेता भी वैसी आई है, हालांकि मेरा तो पता नहीं चलता मैं मुँह धोऊँ ना धोऊँ, लेकिन श्वेता का तो पता चल जाता है, नहाएगा भी पता नहीं चलता है, इसीलिए तो मैं बिना ही रह लेती हूँ। और यहाँ पर अब लेकिन 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, और अभी तक का पहुँचे नहीं। अभी पहुँचा तो पूछा था, अभी वहाँ पर पहुँचे हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के, वहाँ पर वहाँ से किलीकोटी लोगों को छोड़ के आए। और मम्मी लोगों को नहीं पता है कि श्वेता भी आ रखी है साथ में करके, तो श्वेता का सरप्राइज रख रखा था हमने, जैसे कि आज सरप्राइज दे रहे हैं। वो रही मम्मा पापा की गाड़ी, हम यहाँ को देख, हम रोड के इस साइड खड़े हैं, यहाँ देख रहे थे क्योंकि मम्मी ने कहा था कि किलीकोटी से आएंगे, हम इधर देख रहे थे, अब वो उधर से आ रहे हैं। ये नहीं उठती बस, बीच रोड में ट्रैफिक रोकते हुए हम अंधेरे में आए थे, और इतना खतरनाक उजाला हो चुका है। ये लिया यार, मैं पूरा घर पूरे घर में हमारे खानदान में नहीं है जितना सामान ये लेके आ रखे हैं यार। 3 बैग लेके गए थे, अभी अभी दिखाएंगे आप लोगों को इतने बैग लेके आए हैं वापस। मम्मी इतने टाइम घर आ रही है कि सारी जगह भूल चुकी है। एक अंकल ने पूछा कि वो कहाँ पे, यानी दूसरी साइड बता रही है, उधर को नीचे साइड को बता रही, जबकि ऊपर साइड को इतना ठंडा हो रहा है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ये रही मम्मी, और ये कानू, और आगे बाबू बैठे हुए। हमसे ज्यादा हमारा सामान हो रहा है ऐसे, बिल्कुल हम सामान हो के अंदर दब के बैठे हुए। आपने खुदी के स्वागत के लिए संग बजाई है। मामा लोग ले जाते वक्त बस 3 बैग लेके गए थे, एक ये और और लेके बस इतना आए हैं, ये बस आए हैं, बल लेके इतना आए हैं, 2 बैग मम्मी अंदर लेके जा चुकी है। घर तो पहुंच ही गए थे हम लोग मम्मा पापा को लेकर के। मम्मा बाहर बैठी हुई है, गप्पे मार रही है, चाची दादी चाचा सब लोग बैठे हुए हैं, तो गप्पे वप्पे मार रही है, वहां की बातें बता रही है। और पापा उतना सवाल तो हम लोगों ने आपको दिखाया, लेकिन घर आकर के पता चला कि 1 बैग हम वहीं भूल गए, मतलब वहीं नहीं भूले, पापा लोगों के साथ ही एक और अंकल आंटी लोग थे, तो उन्होंने भी सेम बैग ले रखा था, और पापा लोगों का बैग उन्हीं लोगों के साथ रह गया, मतलब वो लोग लेके चले गए अपना बैग समझ करके, क्योंकि हम लोग भूल गए थे उस बैग को वहां पे। तो अब पापा गए हुए वो बैग लेने के लिए, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने वाने की तैयारी, मिक्स दाल, क्योंकि उन लोगों की डिमांड है कि हम लोगों ने मिक्स दाल नहीं खाई वहां, अरहर वगैरह तो खाई रहते, मिक्स दाल नहीं खाई, इसलिए मिक्स दाल बन रही है, और साथ में लाई बन रही है घर की ताजी ताजी लाई। इतने दिनों से मैं इतने अच्छे से इतने आराम से काम कर रही थी, और आज दिखाऊं मम्मा लोगों के आते ही क्या हुआ है।
दूध उबाल चला गया, मेरा ध्यान ही नहीं है पूरा दूध दे हुए। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, दूध उबाल चला गया। मैं भी अब ये आ गया हमारा वो बैग जो गुमशुदा हो चुका था। तो ऐसे हम लोगों ने स्वागत किया। वैसे हुआ ये था कि मैंने प्लान किया था कि मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे और ऐसे थोड़े फूल वूल लेकर के जाएंगे, माला वाला लेके जाएंगे, लेकिन किसको पता था कि सुबह सुबह 5:30 बजे कॉल आ जाएगी कि हम लोग पहुंच गए हैं और हम नींद में ही बिल्कुल गए। तो 40 दिन का सफर पूरा करके आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस रूम का क्या हाल हुआ है। मम्मा पापा लोग जैसे ही आए हैं ना, हम लोगों ने सारे बैग खोल करके बस देख डाले हैं कि क्या क्या लेकर के आए, किसके लिए क्या आया है। तो पूरा रूम अभी फैला पड़ा है। मम्मा भले ही मेरे वीडियो बनाते ही मम्मा यहाँ पे थोड़ा सही करने लगी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कमरे की क्या हालत है। ये देखो, ये मम्मी यहाँ लगी है थोड़ा थोड़ा ताजमाज करने में, लेकिन ये हालत देखो, अभी सारे कपड़े धुलने हैं। और हाँ, पता है क्या हुआ, मम्मा लोगों ने अपना जो बिस्तर है, हॉल डॉल है, वो रख दिया था ऊपर गाड़ी के छत में, रखा था ना मम्मा, छत पे रख दिया था। और 2-3 दिन लगातार इतनी बारिश हुई कि पूरा हॉल डॉल भीगा हुआ है, तो जो गद्दे वद्दे थे सब धूप में हमने डाल दिया। देखो मम्मा मेरे सूट लाई है, कितना प्यारा है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक दिन आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब जब मैं शॉर्ट्स डालती रहूं पूरे क्या था वो दक्षिण भारत के ट्रिप के। मम्मा और मैंने मिलकर के थोड़ा सा जो कपड़े वपड़े थे वो सब अलग करे, जो मतलब नए कपड़े थे उनको अलग किया, और जो धोने वाले मतलब सारे ही धोने वाले हैं तो अलग किया। मैंने सोचा कि मशीन लगा देती हूँ, तब तक मम्मी ने सोचा कि आराम कर लेती हूँ। और तभी कानू का फोन आया कि मैं शू रैक लेकर के आ रहा हूँ, तो जगह बनाओ। तो अभी हम फटाफट से सफाई करने के लिए आए और वो बस पहुँचने वाले हैं। तो आ गया हम लोगों का शू रैक। मैंने जैसे ही फ़ोन रखा कि कानू आ रहा है, उतने में ये ले भी आया है। तो ये रहा हमारा शू रैक। तो जिन जूतों के लिए हमने ये शू रैक लिया था ना, जो बहुत ही ऐसा गंदा दिखता था बाहर पे बैठ करके, वो शूज अभी भी वहीं पे रखे हुए हैं, उनकी जगह वहीं पे है। और घर के अंदर जितने भी जूते थे जो कि हमने अंदर रखे हुए थे, ठीक है, जूते चप्पलें जो भी अंदर रखी हुई थी, संभाली हुई थी, वो सब लाके हमने उसमें डाल दिए। लेकिन मेनली जिसे ये चाहिए था वो जूते अभी भी यही है। कुछ ही नहीं हो सकता रे बाबा, हम लोगों का कुछ ही नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नया दिन नई सुबह और मैं सुबह सुबह हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज है घर पे पूजा, मतलब मम्मा पापा लोग जो तीर्थ करके आए, तो उसके बाद हम छोटा सा कथा कराते हैं, तो वो पाठ कराते हैं सॉरी तो वो है आज। और मम्मा यहाँ लगी हुई है काम वाम करने में, खाना वाना बन रहा है क्योंकि ब्राह्मण को भोग भी लगाते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। सब्जी बना रही है, दाल वाल सब, खीर बना दी है मम्मा ने, नीचे रखी हुई है, तो तैयारी चल रही है। तो चलो हम भी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत हाथ में भी बटा देती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरी तरह से, सारा काम हो चुका है, खाना वाना सब बन चुका है, मम्मा भी रेडी हो गई है, बस पंडित जी का इंतजार है। पंडित जी वैसे 11 बजे आने वाले थे और 11:30 से ज्यादा हो चुका है। यहाँ कानू भी बिल्कुल तैयार होकर के लगा है फोन पे, पता नहीं किसके साथ, आप लोग ही पूछो किसके साथ लगा है। अभी अभी हम लोगों को खबर मिली है कि जो हमारे पंडित जी जो आने वाले थे, मतलब जो हमारे पंडित जी के थ्रू जो पंडित जी आने वाले थे हमारे घर पे, वो कहीं और गए हुए हैं किसी और के घर पे। तो जो हमारे मेन पंडित जी है वो हमारी पूजा व्हाट्सएप के थ्रू करवाने वाले हैं, तो चलो आज ये भी देख लेते हैं। तो मम्मा यहाँ पे हो चुकी है रेडी, पापा भी तैयार है, ये पापा भी तैयार है बिल्कुल धोती होती पहन के। और अब आज हम करने वाले हैं व्हाट्सएप पे क्योंकि हमारे पंडित जी का कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन हो गया था। तो फिर मेरा हमारा सेटअप, वहाँ ट्राईपॉड पे फोन लगा रखा है, पंडित जी ने शुरू कर दी है कथा करानी, पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कानू दी चाची चाचा बुआ और वो वहाँ पे फूफा जी अखबार पढ़ रहे हैं, ये रही दादी और मम्मा पापा पाठ पढ़ रहे हैं, और पंडित जी हमारे आज ऑनलाइन है। धन्यवाद आपको, नमस्कार नमस्कार। तो पाठ संपन्न हो चुका है, तो पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है।
ऑनलाइन हमने बस आज तक सुना था, मतलब ऐसे बड़े बड़े शहरों में होता है ना कि अरे पंडित जी नहीं पहुंच पा रहे या पंडित जी नहीं मिल पाते हैं वहां पे, जैसे ऑनलाइन कराते हैं, विदेशों में ऐसे होता है, और आज हमने अपने घर पे भी ऐसा ही करवाया। सही रहा, बहुत अच्छे से रहा। जो हमारे मेन पंडित जी है उन्होंने ही करवाया, वरना वो अपने कोई सब्स्टिट्यूट भेजने वाले थे तो अपने हमारे मेन पंडित जी ने ही करवाया है। और यहाँ पे हम मम्मा जो ब्राह्मणों को जो भोग लगता है उसकी तैयारी कर रही है, फिर उसके बाद हम भी खाएंगे। मतलब हमारे वैसे ब्राह्मण जो पंडित जी थे वो नहीं आ पाए, लेकिन हमारे असली जो ब्राह्मण है बुआ फूफा जी दीदी लोग, वो लोग आए हुए हैं, तो उनको भोजन कराते हैं, फिर हम लोग भी खाएंगे। तुम्हारे ब्राह्मण खाने लग गए यहाँ पे बुआ फूफा जी, और दी भाग गई है कैमरा आती तो चलो इनको खाने देते हैं आराम से। तो सब लोगों ने खा लिया है, अब मम्मा और मैं बचे हुए हैं बस। और दिखा दी हूँ मम्मा खा किस मेरी है, ये देखो मम्मा कह रही है कि मैं पूरा तीर्थ करके आई हूँ तो मैं पूरे परात में खाऊंगी। और आज हमें एक सरप्राइज दिया गया है एक बच्चे के द्वारा, जिसको हम पता नहीं कितने सालों से बुला रहे हैं, और आज बस ऐसे ही अचानक से, मैं कल ही सोची थी, मैंने कहा यार वो नहीं आ पाएगी यार कल, और ये देखो इसने हमें इतना अच्छा सरप्राइज दिया। कितनी देर तक तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी कि ये आई है। देखा, सरप्राइज दिया मैंने बुआ को भी वहां से आने के बाद। इसने कहा बुआ फूफा जी तीर्थ करके आए हैं तो मैं ही मिलके आऊंगी सबसे पहले। तो इसको भी हमने खाना खिला दिया, इसने चुग लिया है खाना, खाया नहीं है चुग लिया है। पर पूछते हैं कि कैसा था खाना। एक नंबर, बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया है बुआ ने। देखा क्या ट्रिक होती है तारीफ करवाने की। मम्मा देखो मैंने तारीफ ले ली आपकी। चलो मैं भी खाती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक खाया नहीं है। देखो भाई यहाँ क्या चल रहा है। फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे हमारी मॉडल का। और छत के हाल देखो, कल मैंने सारे कपड़े धो डाले। तो कानू इतने टाइम से बस यही लालच दे दे के बुला रहा था कि आ जा तेरा फोटो शूट करूंगा। और आज फाइनली वो काम हो रहा है। अबे छत की तो हालत ऐसी हो रही कि यहाँ तो फोटो शूट हो ही नहीं सकता है। वो तो अच्छा हुआ धूप आ गई, वरना सुबह तो इतना खतरनाक हो रहा आया हुआ था, और धूप आ गई फाइनली, सारे कपड़े सूख जाएंगे। हम फोटो सेशन ही खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कानू से कहा छत में जाओ, और छत में मुझे पता नहीं था कि इतने सारे कपड़े हैं वहां पे। और फिर उसके बाद और कहीं जगह ही नहीं मिली, अब खेतों में बैठी हुई है मन्नू हमारी। तो अब मामा जी और मन्नू जा रहे हैं, फोटो सेशन खत्म हो चुका है। वो रहे बाहर मामा जी, वो रहे। हम ब्लॉग इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि मम्मी का फोन नहीं था हमारे पास, अब वापस आ गया तो हम बनाएंगे। खुश रहो। अरे कैमरे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। देखो गाली दे रही थी, हो गए हैं सारे काम वाम, जितने लोग आए थे खा पी के गप्पे वप्पे मार के सब जा चुके हैं, और अब मम्मा और मैं लगे हुए हैं यहाँ काम वाम करने में। मम्मा ने अपनी अब बस जिस परात में खाया वो धो रही है यहाँ पे, सारे बर्तन ऐसे ही रख के हम लोग बस बैठ के गप्पे वप्पे मार रहे थे, तो खूब सारी गप्पे मारी। अब सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर, शाम हो गई है, कितने बज गए हैं, 5 बज गए हैं, और करेक्ट 5 बज रहा है अभी। तो अब बर्तन वर्तन धोते हैं, सब काम वाम जितना भी है बचा हुआ समेटते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं। ये कपड़ों का ढेर देख रहे हो, मतलब ये वो कपड़े हैं जो कल पूरे धुल के और आज फाइनली सूख चुके हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि पूरी छत भरी हुई थी कपड़ों से, और फाइनली सूख चुके हैं। अच्छी बात है कि एक ही बार में सारे कपड़े धुल के सूख चुके हैं। अब ये नहीं है कि भाई अरे यार आज भी कपड़े धोने हैं कल भी कपड़े धोने, इसलिए मैंने सारे ही कल पूरे एक बार में मशीन लगाई और धो डाले हैं। तो अब बस मेन जो दिक्कत है वो ये है कि अब इन सबको तह कैसे किया जाए। मैं तो ये सोच रही थी कि ऐसे ही रहने देते हैं, जब किसी को पहनना होगा यहाँ से निकाल के पहन लेगा यार, लेकिन मम्मा ने कहा है कि अब तह कर इनको, तो फिर अब इनको तह करने में लगती हूँ। और करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड, आप लोगों से मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, अपनी नई वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जितने भी जैसे जैसे मम्मा पापा लोग गए हैं ट्रिप में, पूरे साउथ इंडिया के ट्रिप में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरा वैसे ही एक व्लॉग्स के थ्रू या फिर शॉर्ट्स के थ्रू पूरा एक ट्रिप मैं करवा सकूं। तो जल्दी ही मैं मम्मा पापा से सारी जितनी भी ओरिजिनल वीडियोस हैं वो ले लूंगी, जहां जहां भी बना रखी है, क्योंकि ऐसे मंदिर में ही होता है कि वीडियोस या फोटोज वगैरह खींचना अलाउ नहीं होता है,
तो बाहर से जितनी भी वीडियोस और फोटोज पापा लोग मम्मा लोग ले करके आए हैं तो मैं वो सारी ले लूंगी और आप लोगों तक जल्दी पहुंचाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वी लव यू ऑल, बाय बाय।